हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास मैनर। एक्चुअली गाइस, आज की वीडियो है वो मतलब जीपी रेटिंग से आप कैप्टन कैसे बन सकते हो। गाइस, तो आज की वीडियो उसी पर है, क्योंकि मतलब कुछ लोगों के डाउट्स थे, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई एक वीडियो बनाओ जीपी से, मतलब रेटिंग से कैप्टन के लिए क्या प्रोसीजर है। तो गाइस, आज की वीडियो उसी पर है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं बात कर रहा था मतलब रेटिंग के थ्रू आप मतलब कैप्टन के लिए क्या प्रोसीजर है। गाइस, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जब आप मतलब जीपी रेटिंग कोर्स करते हो गाइस, ठीक है, रेटिंग कोर्स करने मतलब 6 मंथ का जो ट्रेनिंग होता है गाइस, वो कंप्लीट करने के बाद तो उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मतलब आपको डेक साइड ज्वाइन करना है या फिर इंजन साइड ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर मैं डेक साइड की बात करूँ गाइस, तो जब आप डेक साइड पे जाते हो, सबसे पहले तो आप आफ्टर जीपी रेटिंग गाइस एज अ ट्रेनिंग ओएस जाते हो, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग ओएस का क्या होता है गाइस, ट्रेनिंग ओएस का मतलब आप नाइन मंथ आपको सेल करने के बाद गाइस मतलब आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकालना होता है, ठीक है। तो गाइस, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकालने के बाद गाइस मतलब आप बोल सकते हो कि अगर कंपनी अगर आपको प्रमोट कर दिए गाइस, तो ट्रेनिंग ओएस से देन आप ओएस प्रमोट हो गए, ठीक है। ओएस से देन आप एबी प्रमोट हो गए गाइस, ठीक है। तो गाइस, मोस्टली जब आप एबी तक प्रमोट हो गए गाइस, तो उसके बाद क्या होता है गाइस, एटलीस्ट जो मतलब ऑफिसर के लिए गाइस, वो एटलीस्ट आपको 36 मंथ मतलब सी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस मोस्टली गाइस आप एबी तक बोल सकते हो कि आपको 36 मंथ कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं क्रू साइड से बात करूँ तो गाइस, तो मतलब जो एबी से मतलब सॉरी ओएस से ट्रेनिंग ओएस से ओएस देन ओएस से एबी देन एबी से बोसन गाइस, द बोसन इज द लास्ट बोल सकते हो कि ये सबसे लास्ट पोस्ट होती है क्रू के लिए। विदाउट एनी एग्जाम दिए आप मतलब बोसन तक जा सकते हो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू और आपके मतलब अच्छे रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो गाइस थर्ड, अगर आपने सपोज एज ए ना ए बी अगर आपने 36 मंथ गाइस अगर आपने कंप्लीट किया है, देन आप मतलब बोल सकते हो कि सेकंड मेट के एग्जाम के लिए आप जा सकते हो। तो गाइस मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो गाइस 36 मंथ का एक्सपीरियंस होने के बाद गाइस आपको एक फोर मंथ का गाइस प्रिपरेटरी कोर्स होता है, ठीक है, फॉर सेकेंड मेट के लिए प्रिपेयर करने के मतलब एंड बोल सकते हो उसकी एलिजिबिलिटी है गाइस, आपको वो 4 मंथ का जो है प्रिपरेटरी कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रिपरेटरी कोर्स करने के बाद गाइस आपको सेकेंड मेट एग्जाम अटेंड करना है, दैट इज एग्जाम आपको रिटन जो भी एग्जाम होगा एंड देन ओरल और इंटरव्यू गाइस, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है फॉर सेकेंड मेट के लिए, ठीक है। सेकेंड मेट अगर आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, आपका हो गया गाइस, तो आपन मतलब सेकेंड मेट के बाद गाइस मतलब बोल सकते हो कि एज एन आप वहाँ पे जो शिप पर गाइस है मतलब एज एन ऑफिसर थर्ड ऑफिसर आप जा सकते हो ऑन बोर्ड शिप पे, ठीक है। तो उसके बाद गाइस अगर आप थर्ड ऑफिसर के बाद अगर आपको प्रमोट होना है, तो गाइस उसके लिए आपको 18 मंथ का सी एक्सपीरियंस चाहिए अगेन एंड 3 मंथ का प्रिपरेटरी कोर्स चाहिए गाइस, ठीक है। तो एज एन उसके बाद गाइस आप मतलब बोल सकते हो कि आप एज एन चीफ ऑफिसर गाइस एज एन आप प्रमोट हो गए, ठीक है। तो गाइस चीफ ऑफिसर के बाद अगर मैं बात करूँ गाइस कैप्टन के लिए, तो दैट इज 12 मंथ का सी एक्सपीरियंस लगेगा आपको, ठीक है, एंड 2 मंथ का वही प्रिपरेटरी कोर्स लगेगा, ठीक है। देन आपको रिटन एंड ओरल एग्जाम जो भी इंटरव्यू गाइस, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो है कैप्टन के लिए एलिजिबल होते हो, मतलब कि आप फिर आप किसी भी वेसल पे गाइज आप एक दो कॉन्टेक्ट करने के बाद देन चीफ ऑफिसर गाइज आप कैप्टन प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। तो गाइज सेम प्रोसीजर एज इन इंजन के भी है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो गाइज जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट होती है गाइज वो ट्रेनिंग ऑयलर होती है, ठीक है। ऑयलर के बाद गाइज ट्रेनिंग ऑयलर के बाद तब आप ऑयलर जाओगे, देन ऑयलर के बाद गाइज आप मतलब बोल सकते हो कि मतलब जैसे ही गाइज आप ऑयलर प्रमोट हो जाओगे, तो गाइज आई थिंक अगर आप ऑयलर के बाद आपके मतलब 36 मंथ एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद गाइज आप फोर्थ इंजीनियर के मतलब एग्जाम देने के बाद आप फोर्थ इंजीनियर, देन उसके बाद थर्ड इंजीनियर, देन गाइज आप सेकंड इंजीनियर के बाद आप चीफ इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सेम प्रोसीजर है गाइज, सेम सी एक्सपीरियंस चाहिए आपको, एग्जाम्स भी क्लियर करना है, साथ साथ आपको उनके मतलब इंटरव्यू एंड आपको जो ओरल होते हैं गाइस, तो वो सारी चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर करनी है, ठीक है। सो गाइस मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ गाइस, तो मतलब रेटिंग से गाइस थोड़ा मतलब टाइम लगता है एज एन आपको ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये मतलब अगर आपको रेटिंग के थ्रू आपको ऑफिसर बनना है गाइस, तो सबसे बड़ा जो मतलब बोल सकते हो जो फर्स्ट माइलस्टोन होगा गाइस, वो होता है 36 मंथ सी एक्सपीरियंस कंप्लीट करना, देन उसके बाद गाइस आपको सेकंड मेट एग्जाम क्लियर करना, ठीक है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है गाइज। ये क्लियर करने के बाद आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि आप मतलब ऑफिसर रैंक के लिए अभी प्रमोट हो चुके हो। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।